हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक कैमी ड्रेस जिसे मैंने मेंस के पुराने शर्ट एक सिंगल शर्ट के हेल्प से प्रिपेयर किया है। आई होप आप सबको पसंद आए। बट कोई मेरे चैनल पे अगर नया है तो प्लीज अभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल शर्ट का इस्तेमाल करते हुए ये कैमी ड्रेस प्रिपेयर किया है। सबसे पहले हमें इस कॉलर को रिमूव कर लेना होगा, तो सीजर की बड़ी आसानी से मदद से ये जो कॉलर है वो रिमूव हो जाएगी। कॉलर रिमूव करने के बाद हमें दोनों स्लीव्स का भी जो पार्ट है उसे रिमूव कर लेना होगा। तो यहाँ मैंने स्लीव्स के पार्ट को रिमूव कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते होंगे। उसके बाद हमें पॉकेट भी रिमूव करनी होगी। तो पॉकेट भी सेम रिपर से बहुत ईजिली उसके जो थ्रेड्स है वो रिमूव हो जा रहे, तो मैंने पॉकेट्स भी रिमूव कर लिया है। अब हमें शर्ट्स को हाफ में प्लेस कर लेंगे और उसके ऊपर कोई भी अपना फिटेड टॉप या कोई कुर्ती जो आपको अच्छे से होती है वो उसके ऊपर प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे हम आर्मोल्स लेंगे सिर्फ 3 इंच का, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा स्ट्रैप रहेगा 7 to 8 इंच का, इसलिए हम लेंगे यहाँ पे 3 इंच का आर्मोल्स। और उसके नीचे हम जो अपनी हाइट रखेंगे, साइड की फिटिंग हमें सिर्फ वहाँ तक देनी है जहाँ तक हमारी बॉडीज रहेगी। तो मैं बॉडीज यहाँ पे रख रही हूँ 10 इंच, क्योंकि ऊपर की तरफ से हमारा स्ट्रैप आएगा तो जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ 14 इंच का बॉडीज बना रहे, तो मैं यहाँ पे 10 इंच की ऊपर से मार्किंग ले लूँगी। उसके बाद हम इसे कट कर देंगे। जो नेक का एरिया होगा वो मैं शोल्डर के पास से 5 इंच के पॉइंट पे मार्क करूंगी और नीचे की तरफ 3 इंच की लंबाई रखते हुए वहां से स्लांट में मार्किंग कर लूंगी और हमारे वी शेप का फ्रंट और बैक में इजीली नेक बन जाएगा। उसके बाद हम बॉडीज के पार्ट को कट कर लेंगे। बॉडीज के पार्ट को साइड के फिटिंग कर लेना होगा और नेक के एरिया और जो आर्मोल्स का पार्ट है उसे हम हेम कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा कपड़ा बचेगा उससे हमें घेरा प्रिपेयर करना होगा। तो घेरा हमें स्लीव्स की भी हेल्प लेनी होगी, तो स्लीव्स का पार्ट हम लेंगे और नीचे के जो शर्ट का कपड़ा बच गया है वो पार्ट हम लेंगे और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर अपना घेरा प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपना जो स्लीव्स भी ले लिया है। अब स्लीव्स के पार्ट का हमें यहाँ पर जो कफ एरिया होती है, स्लीव्स की जो कफ एरिया होती है इसे रिमूव करना होगा और जो आर्मोल्स का पार्ट है इसे लेवल में कट कर देना होगा। और जो थ्रेड का पार्ट था उसे सीम रिपर के हेल्प से आप ओपन कीजिए या नॉर्मली सीजर की मदद से कट कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर बहुत सारा कपड़ा रिसीव हो जाएगा स्लीव्स में, जिसकी हेल्प से हम घेरे में ऐड करके घेरा हम नीचे की तरफ का जो फ्लो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्लीव्स ओपन कर लिया है। अब आपको सारा कपड़ा लेना है और उससे एक साथ जॉइन कर लेना होगा, एक लंबा सा कपड़ा बना देना होगा जॉइन करते हुए। इस तरीके से हम बाजू में रखते हुए स्विंग मशीन के हेल्प से इसे जो है वो तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसे प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो हमारी बॉडीज भी हो चुकी है, कपड़े से बचे हुए इसे मैंने यहाँ पे स्ट्रैप्स भी बना लिया जो हम बॉडीज में लगा लेंगे मीनवाइल। उसके बाद हमारा जो घेरे का पार्ट है उसे भी जो हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है, स्टिच कर लिया है, जॉइन कर लिया है, इसे हम एक बार फिर फोल्ड करेंगे। हमारा बॉडीज भी रेडी हो जाएगा। बॉडीज को उसके ऊपर प्लेस कर लेंगे और साइड जो है वो कमर का जहाँ पर बॉडीज का हिस्सा होता है 4 भाग में फोल्ड कर लेंगे हम कपड़े को, और बॉडीज को भी डबल फोल्ड करते हुए उसके ऊपर प्लेस कर लेंगे और कमर से लेकर नीचे तक का एक स्लांट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि ए शेप का स्लांट लाइन होता है वहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे। आधा आधा इंच आप सीम अलाउंस के लिए छोड़ दीजिएगा, बाकी आप वहाँ पर एक स्लांट लाइन ले लीजिए। उस स्लांट लाइन पे हमें सीजर के हेल्प से कट कर देना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके का घेरा मिलेगा। अब दोनों साइड का जो ओपनिंग पार्ट है उसे आप स्टिच कर लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ओपनिंग पार्ट भी स्टिच कर लिया है और बॉडीज पे जो हम स्ट्रैप लगाने वाले थे वो बॉडीज पे स्ट्रैप भी लग गई है। तो घेरा और बॉडीज दोनों रेडी हो चुका है। घेरे को प्लेस करेंगे और बॉडीज को प्लेस करेंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ की कमर के एरिया को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दोनों के कमर एरिया को ज्वाइन कर लिया है। अब बैक
पे आपको कुछ इस तरीके का बटन होल मिलेगा जिसके हेल्प से इजीली आप इस ड्रेस को कैरी कर सकते हैं, यानी वेयर कर सकते हैं। और फ्रंट पे हमारा बटन नहीं रहेगा, इस तरीके से प्लेन लुक आएगा जो काफी ज्यादा स्मार्ट लुक देगा। सो आप देख सकते हैं ये कितना ही ज्यादा प्रिटी टर्न आउट हुआ है और ये काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।